टोयोटा ने अपनी अपकमिंग सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी अर्बन क्रूजर की आधिकारिक तौर पर प्री लॉन्च बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। ग्राहक इसे 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर टोयोटा की डीलरशिप या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। साथ ही कंपनी ने इस एसयूवी के वेरिएंट लाइनअप की जानकारी भी साझा दी है। ये गाड़ी कुल 6 वेरिएंट मिड 80, हाई 80, प्रीमियम और प्रीमियम 80 में उपलब्ध है। ग्लेंजा के बाद ये भारत में टोयोटा मारुति सुजुकी साझेदारी के तहत आने वाला दूसरा प्रोडक्ट है। टोयोटा अर्बन क्रूजर की वेरिएंट वाइड प्राइस कुछ इस प्रकार से होने वाली है। बता दें कि टोयोटा ने बलिनो पर बेस्ड ग्लेंजा को भी लॉन्च किया था। इसके मैनुअल वेरिएंट की प्राइस बलिनो के मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले कम रखी गई थी, इसलिए माना जा रहा है कि टोयोटा की नई अर्बन क्रूजर की प्राइस भी विटारा ब्रेजा से बेहद कम रहने वाली है। इस 5 सीटर कार में ब्रेजा की तरह ही रेन सेंसिंग वाइपर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाले 60 टच के इंफोटेनमेंट सिस्टम, 16 इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसका कैबिन लेआउट मारुति विटारा ब्रेजा की तरह ही होगा, हालांकि इसमें कैबिन पर डुअल टोन डार्क ब्राउन अपहोल्स्टरिंग भी दी जाएगी। टोयोटा की इस अपकमिंग कार की फ्रंट प्रोफाइल फॉर्च्यूनर कार की तरह रखी गई है। इसमें नया रेक्टेंगुलर डिजाइन वाला फ्रंट बम्पर दिया गया है जो कि फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड है। आगे की तरफ इसमें बड़ी टूल स्लेट ग्रिल दी गई है जिस पर वर्टिकल क्रोम स्ट्रिप भी लगाई गई है। ग्रिल के पास इसमें हेडलैम्प को पोजीशन किया गया है। फ्रंट पर इसमें LED फॉग लैम्प्स क्रोम सराउंड के साथ दिए गए हैं। साथ ही इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED DRLs के साथ दिए गए हैं। इस गाड़ी में विटारा ब्रेजा वाला ही आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। 105 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। इस गाड़ी में आपको इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ AMT ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। अनुमान है कि टोयोटा अर्बन क्रूजर को आने वाले हफ्तों में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी प्राइस तकरीबन 4 से 6 लाख रुपए के बीच रखी जाएगी बेस वेरिएंट की, और टॉप वेरिएंट की 8 से 11 लाख रुपए के बीच रखी जाएगी। सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, विटारा ब्रेजा, महिंद्रा SUV 300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट और ह्यूंडई वेन्यू से रहने वाला है। इसके अलावा इसका कंपैरिजन अपकमिंग किया सोनेट, रेनो काइगर और निसान मैग्नेट से भी होने वाला है जो जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपको ये टोयोटा की नई गाड़ी कैसी लगी? क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और ये गाड़ी पसंद आए तो बिना लाइक करे मत जाएगा। इस गाड़ी के लिए जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपका एक लाइक चैनल की बहुत मदद करेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।